बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, स्पेशली रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में और इन बाबरकत लम्हात में बहुत ज़्यादा दुआ के अल्लाह पाक परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दें और आप हम सब पर अपना खास करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप हमसे रابطہ कैसे कर सकते हैं। रابطہ करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा और इसके अलावा वीडियो के टाइटल से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आपने ये एक चीज़ ज़रूर माइंड में भी रख रखनी है कि इस नंबर के ऊपर आपने अपनी मालूमात रिटन फॉर्म में भेजनी है। वॉइस मैसेज नहीं करना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, कोई कॉल नहीं करनी। अगर आप कॉल ना करें तो ये नंबर मैं ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कॉल्स आती हैं और बेइंतहा आती हैं, तो इसकी वजह से फिर नंबर बंद करना पड़ा। ये नंबर बेसिकली मैंने आपको आपकी आसानी के लिए दिया था कि जो लोग डायरेक्ट ईमेल के अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली मैसेज या अपनी मालूम भेज दें। बहरहाल आप इसके ऊपर अपनी मालूम भेज दें जो और मालूम के साथ अपनी जो प्रोफाइल आपकी इंफॉर्मेशन है वो और इससे अपनी रिक्वायरमेंट दोनों चीज़ें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो हमारे लिए मैच करने के लिए फिर बहुत ज़रूरी होती हैं दोनों चीज़ें, हमारे पास दोनों क्राइटेरियाज हमारे पास होने चाहिए। सेकंड ये कि आप लोगों ने जो भी मालूमात भेजें सच्चाई पे मबनी हो। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि झूठ पे कोई मालूमात ना भेज करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग शुरू में तो प्रपोजल्स लेने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन जब उनका झूठ खुलता है तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ वो बात नहीं रहती। तो चाहे कुछ भी ना हो किसी बंदे के पास, लेकिन उसे झूठ का सहारा नहीं लेना। जो मालूमात आपकी हैं फैक्ट है, वही फैक्ट है, आपने वही मालूम भेजनी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा तरीका ये कि आप हमें अपनी मालूम बजे या मेल कर सकते हैं सेंड। ईमेल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। आप अपनी मालूम मेल की सूरत में भी हमें भेज सकते हैं। वो लोग स्पेशली जो अपनी मालूम पब्लिक नहीं करना चाहते, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें या ईमेल का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो लोग पब्लिक कर सकते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो कमेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें जैसे बहुत से लोग कर रहे होते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी जो भी इन्फो है वो और अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर भेजा करें, क्योंकि इसके मुताबिक हमने आगे वर्क करना होता है। हमारी वर्किंग इस पर ही डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको मैसेज कर करके पूछूंगी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ को तो मैं कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ सब कर दिया करें, पहले सेंड कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि ये फिर ज़ाहिर सी बात एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा मेरे ऊपर। ओके, आज के प्रपोज़ल की तरफ बढ़ते हैं। जो मैं आज आपके साथ प्रपोज़ल शेयर करने लगी हूँ वो अभी एक भाई का प्रपोज़ल है। इनका ताल्लुक कहुटा से है और इसके अलावा इनकी अपनी मैकेनिकल शॉप है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है इन्होंने, तो अगर इसके अलावा इनकी पहले एक शादी हो चुकी है, इनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, बच्चे इनके कोई नहीं हैं, अब ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, उम्र इनकी 38 साल है। तो और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन्हें किसी भी इलाके से अच्छी फैमिली की, अच्छी बैकग्राउंड की पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता दरकार है। बेशक एजुकेशन ना हो, बेसिक एजुकेशन तभी मैट्रिक तक ज़रूर आती हो, कुरान पाक पढ़ना आता हो, नमाज पढ़ती हो, तो ये इनकी डिमांड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रपोज़ल के अकॉर्डिंग, आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। रابطہ नंबर इनका मैं आपको फिर दे दूँगी, तो आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का प्रपोज़ल आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।